हाय एवरीवन, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर टू को। और देखिए, चैप्टर टू में हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने कास्टिक सोडा पढ़ा था, NaOH, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, हम और भी पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। देखिए, हम चाहते हैं आपके कम टाइम में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको नोट करना है। ओके, चलिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला है आपका CaOCl2। ओके, फिर हम इनके मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, बनता कैसे है, ठीक है। देखिए, हम क्लोरीन गैस पास आउट करते हैं, क्लोरीन गैस पास आउट करते हैं स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ठीक है। तब उससे क्या बनता है, ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये क्या है आपका, स्लेक लाइम है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये कैसा होता है, ये होता है येलोइश वाइट पाउडर, येलोइश वाइट पाउडर। लेकिन जब ये बनता है ना, ध्यान दो, जब ये बनता है ना, तब जो इसका सॉल्यूशन होता है मिल्की होता है, थोड़ा सा मिल्की क्यों होता है, क्योंकि पूरा स्लेक लाइम रिएक्ट नहीं कर पाता, और स्लेक लाइम की वजह से ही इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में मिल्की होता है। ओके, फिर जब हम इसको लाइट एयर में रखते हैं, जब इसको एयर में रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और क्या लिब्रेट करता है, क्लोरीन गैस। कैसे, ध्यान दो, हमने सपोज करो ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको एयर में रखा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को लिब्रेट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस वजह से हम इसको लाइट में, एयर में जब रखते हैं तो क्या आती है, हमें क्लोरीन की स्मेल आती है। ओके, हम इसके यूज़ की बात करेंगे, और इसके जो यूज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, फिर ये मैं आपको बता दूँ, एक प्रॉपर्टी और है, ये आपका कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये कोल्ड वाटर में आपका सोल्यूबल है, हम इसको रब कर रहे हैं अभी, आप नोट कर लीजिए। इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, रिएक्शन विद एसिड। देखिए, पहले एसिड होगा हमारे पास HCl, CaOCl2, हम इसके HCl से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनाया मेरे पास, मुझे मिलेगा यहाँ पर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड H2O मिलेगा और Cl2 मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं, एक बहुत ही बढ़िया बात होगी, कि जब ये एसिड से रिएक्शन करता है तो जो मेरे पास ही क्लोरीन गैस आती है ना, इसको बोलते हैं हम अवेलेबल क्लोरीन, क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। और ध्यान दो, यही गैस डिसाइड करती है ब्लीचिंग पाउडर की क्वालिटी। फिर दूसरा एसिड लो, CaO Cl2 H2SO4। ध्यान दो, पहली जो रिएक्शन है आपने देखा वहां पे, पहली क्वेश्चन में देखा आपने, बैलेंस है या नहीं है। देखिए, बैलेंस करने में आपको चैप्टर वन में सिखा चुका, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं लिंक से दे दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप देखिए, Cl कितने यहाँ पे, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, और 2 4 है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे Cl कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 2, 4 हो गए पूरे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। कैल्शियम एक है और कैल्शियम एक बैलेंस है। यहाँ पे देखिए, CaCl2 + H2SO4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट प्लस वही H2O एंड Cl2। देखिए, ये बैलेंस इक्वेशन है, आपको इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, हाइड्रोजन एक है, ठीक है, हाइड्रोजन भी एक है, Cl2 एक है, Cl2, मतलब मैं पूरा मॉलिक्यूल गिन रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, ये क्या है, ये है आपकी अवेलेबल ऑक्सीजन, ये क्या बोलते हैं इसको, अवेलेबल, सॉरी मैं ऑक्सीजन बोल रहा, अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। एक जो सैंपल है वो कितना अच्छा है, ये जो अवेलेबल क्लोरीन है वही डिसाइड करती है। एक गुड सैंपल में, एक अच्छे सैंपल में 35 to 38% क्लोरीन गैस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो लिबरेट करता है वो अवेलेबल क्लोरीन, वो कितनी होनी चाहिए, 35 to 38%।
8%। ओके, अगर इतनी है तो वो एक ब्लीचिंग पाउडर का अच्छा सैंपल है। ओके, देखिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको यूज़ कराऊंगा इसके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है इसमें, इसका फॉर्मूला पहली बात तो केमिकल फॉर्मूला, दूसरा इसका केमिकल नेम, इसकी मैन्युफैक्चर, ठीक है, और ये अवेलेबल क्लोरीन वाला पॉइंट। ओके, और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब इसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, जिस वजह से इसकी स्मेल कैसी होती है, क्लोरीन गैस जैसी। ओके, चलिए इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला यूज़ है इसका कॉटन को ब्लीच करने में, देख फैब्रिक और कॉटन को ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है इसका वुड पल्प, ठीक है, वुड पल्प जिससे पेपर बनाते हैं ना, वुड पल्प से उसको ब्लीच करने में इसका यूज़ होता है। फिर जो हमारे पास लॉन्ड्री है जहाँ पर कपड़े धुलते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। फिर हम इसको वूल को अनश्रिंकल बनाने में भी यूज़ करते हैं। फिर बहुत अच्छा यूज़ है इसका, इट इज़ यूज़ फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने के, ठीक है, इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इसके बारे में तो हम बात करेंगे करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको कॉटन को ब्लीच करने में कैसे यूज़ करते हैं या फैब्रिक को ब्लीच करने में कैसे यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन लेंगे, उस सॉल्यूशन में हम फैब्रिक को या कॉटन को जिसको भी हमें करना है उसको हम डाल देंगे। ओके, फिर हम उसमें कोई एसिड पास आउट करेंगे, सॉल्यूशन में कोई एसिड पास आउट करेंगे, ठीक है, जहाँ से क्या निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी। अभी हमने बताया अवेलेबल क्लोरीन वाला पॉइंट था, हमने बताया आपको अवेलेबल क्लोरीन जो होगी वो ब्लीच का काम करेगी, वो फैब्रिक को या वूल को जिसको हम ब्लीच करना है कर देगी ब्लीच, ठीक है। देखिए लेकिन जो फैब्रिक में एक्सेस वो आती है, एक्सेस क्लोरीन आती है, उसको हम एंटी क्लोर एजेंट जैसे कि सोडियम सल्फाइट पास आउट करके जो एक्सेस क्लोरीन है उसको हटा देते हैं, ये क्या आपका एंटी क्लोर एजेंट है। सोडियम सल्फाइड मीन्स Na2SO3, एंटी क्लोर एजेंट है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया मेथड के हम फैब्रिक को या वूल को कैसे ब्लीच करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो इनसफिशेंट मैं रफ कर रहा हूँ, अगर हम एसिड की जो अमाउंट है वो इनसफिशेंट लें, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लिखा ना एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है आपको मैं वो बताऊंगा रिएक्शन के थ्रू। सपोज करो आपने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के साथ कोई इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ एसिड लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए मैं इनके आपसे आशा करता हूँ कि आप कम से कम इनके नाम तो लिखो, ठीक है, क्योंकि हमने सिखा चुके, सिंपल है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ओके, प्लस हाइपोक्लोरस एसिड HClO, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ध्यान दीजिए, अब जो मेरे पास हाइपोक्लोरस एसिड आया है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझको देगा नेसेंट ऑक्सीजन, क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन, क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ब्लीचिंग पाउडर था, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें अच्छा लगा होगा, और देखिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शेयर करने के, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। और लाइक तो आप पक्का कीजिए, और कमेंट में जो आपकी समझ नहीं आता मुझे बताइए, अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है आपको, कोई टॉपिक पहली बार में समझ नहीं आया था आप उसको भी देखिए, प्लस मैं उस टॉपिक को दोबारा भी पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो चलिए हम इसी वीडियो में बात करेंगे और बेकिंग सोडा के लिए बात करते हैं, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके देखिए हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। ओके तो इसका मैन्युफैक्चर करने वाले हैं हम कि बनता कैसे है। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, इसको हम सोलवे प्रोसेस से, सोलवे मेथड से या सोलवे प्रोसेस से बनाएंगे। सोलवे प्रोसेस का मेथड क्या है, मतलब सोलवे प्रोसेस है क्या? कुछ नहीं है, ये है कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को सैचुरेट करेंगे अमोनिया के साथ, अमोनिया से, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड और ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसको, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, देखिए आपको पता है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl, एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सैचुरेटेड विद अमोनिया, सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्या बनेगा आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैं बेकिंग सोडा लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेकिंग सोडा फॉर्म्ड या प्रिपेयर्ड। ठीक है, सुनिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन ऊपर लिखूंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बनाएंगे किससे? NH3, H2O और CO2 से बनाएंगे। क्या बनाया मेरे पास? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, मैं नाम लिख रहा हूं इसका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देंगे। NH4 HCO3, ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl। ओके NaCl क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास बनेगा NaHCO3, NaHCO3 और हाँ ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ ये बनेगा NH4Cl। ये क्या बन गया आपके पास? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या बनाया आपके पास? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिएगा, क्या लिख दिया बनने, अमोनियम क्लोराइड। ओके ठीक है, ये आपका क्या है? मैन्युफैक्चर मेथड है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सम करके लिखता हूं, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, तो ये NH4HCO3 और NH4HCO3 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट रिएक्शन में अपोजिट सारी चीजें होती है वो कट जाती है, कटने का मेरे से मेरे यहाँ पे मतलब माइनस होती है। ओके तो अब ये सेम साइड है, ये जोड़ो इसको, क्या आएगा मेरे पास? NH3 प्लस, अरे यहाँ H2 आना था बच्चों, H2O मिस हो गए हैं, ओ
NaCl, और इधर क्या मिलेगा मुझको, NaHCO3 plus NH4 Cl। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होगी, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होगी। अच्छा, ये तो था आपका इंडस्ट्रियल मेथड, क्या बनाने का, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनाने का। अगर देखो हम इसको छोटे स्केल पर अगर बनाते हैं, जैसे लेबोरेटरी में बनाते हैं इसको, हम तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। कंप्लीट रिएक्शन होगी आपके पास। अगर हम इसको बनाते हैं छोटे स्केल पर तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके एक्वा सॉल्यूशन में हम कार्बन डाई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट कर देंगे। मेरे पास क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ठीक है, ये बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्या है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। फिर यह है आपका ये सेकंड, स्टेबल, इट इज स्टेबल इन एयर, स्टेबल इन एयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपकी, देखिए इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, जिसका एक्वा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एल्कलाइन। ओके, देखिए कैसे, अगर सपोज करो मैं पे लिख रहा हूं यहां पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन कैसे, ध्यान दो। सपोज करो हमने यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास, बेकिंग सोडा है जो, इसको वाटर में डाला हमने, एक्वस सॉल्यूशन बनाया इसका, तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये क्या है आपका, ये आपका साल्ट हाइड्रोलाइज हुआ इसका, साल्ट हाइड्रोलाइज में क्या मिला मुझे, स्ट्रॉन्ग बेस मिला और वीक एसिड मिला, जिस वजह से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इसका सॉल्यूशन होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, वो बेसिक होगा। ओके, वो बेसिक होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, अब ऑन हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए क्या कैसे होगा, मेरे पास ये है NaHCO3, अगर इसको मैं हीट करता हूँ तो जैसे हमने इसको बनाया था लेबोरेटरी में, आपको ध्यान है कि CO2 थी हमारे पास और H2O था और सोडियम कार्बोनेट था, ये ऐसे ही डिकम्पोज भी होगा, ऐसे ही डिकम्पोज भी होगा, Na2CO3 प्लस H2O और CO2, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस हो गई, बहुत आसान है बैलेंस करना। ओके, ये क्या हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टी और भी है, जैसे रिएक्शन करता है ये एसिड से और लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। हाँ जी, क्या करता है, रिएक्शन करता है NaHCO3, अगर मैं आपके एसिड से रिएक्शन करा दूं, HCl H2SO4 वगैरह इस तरीके से, तो क्या करेगा, रिएक्शन का क्या देगा, तो एगा NaCl, और क्या देगा भाई, H2O, और क्या देगा, CO2 देगा, और क्या देगा, CO2 गैस देगा। देखा बैलेंस भी है क्या, Na एक है, Cl भी एक है, H यहाँ पर 2 है, H2 है यहाँ पे, ओके बैलेंस है, क्या देगा ज्यादा अमाउंट हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान दीजिए अब यहीं से इसका यूज आता है, क्या आता है यहाँ से इसका यूज आता है, यूज आता है इसका। देखिए सबके बारे में आपको पता होगा, कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको इस बारे में पता होगा सब क्या क्या है, बेकिंग सोडा है, HCl है, NaCl है, H2CO2, मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, जिसका यूज होगा सबसे पहली बात, एज एन एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड आपको क्या होता है पता है, क्या होता है, जो हमारे जो स्टमक होता है उसकी एसिडिटी को कम करता है, जो एक्सेस एसिड होता है हमारे स्टमक का उसकी
जो उसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखता है, मतलब उसके एसिडिटी है उसको मेंटेन रखता है, जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रल करता है। ओके, ये क्या था, एज ए एंटी एसिड क्यों करता है, क्योंकि जो उसका एल्कलाइन सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि एल्कलाइन सोल्यूशन नहीं, इसका एक्वस सोल्यूशन, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन, जो क्या करता है एक्सेस एसिड को हमारे पेट से न्यूट्रलाइज करता है। ओके, दूसरा यूज, दूसरा यूज पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, इन फूड्स, ब्रेड केक वगैरह में डलता है, ठीक है, कुछ सब्जियों में डलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है, नोट करके रखना इसको, ठीक है, आपको पता भी नहीं चाहिए, जो हम घरों में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं ना, जब हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं घरों में, उसमें थोड़ा बहुत एडिबल एसिड भी होता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, ठीक है, वो केवल और केवल ये नहीं होता NaHCO3, केवल और केवल ये नहीं होता, उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एडिबल एसिड, जैसे एडिबल एसिड मीन्स खाने लायक, एडिबल एसिड मीन्स जैसे टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, पहले मैं बाद में बात करूंगा क्यों होता है उसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम फूड्स की बात करते हैं, ये क्यों डालते हैं हम केक वगैरह में या ब्रेड में, ठीक है, ध्यान दो, आपने यहाँ पर देख भी होंगे, मैंने इसको रफ नहीं किया, मैं इसको जानबूझ के रफ नहीं किया था, ये क्या देता है एसिड, मतलब जो तो हमारे पास बेकिंग सोडा क्या कहता है, CO2, जो कि खाने को पोरस करता है, मतलब छोटे छोटे छेद बना देता है खाने में, जिससे क्या होता है कोई ब्रेड या केक फ्लफी हो जाता है, फ्लफी मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा सा, आपने बन देखा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, फ्लफी होता है, इसके निकलने की वजह से क्या करता है, पोरस कर देता है खाने को। दूसरा, मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, एडिबल एसिड, वो क्यों होता है, ध्यान दीजिए, जो एक्सेस बेस हो है हमारे पास, जो बेकिंग सोडा है वो खाने को बिटर कर देता है, मतलब कड़वा कर देगा अगर हम एसिड नहीं डालेंगे तो, जो एक्सेस एसिड होता है ना उसमें, जो एसिड होता है उसमें, वो एक्सेस NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करता है, जो हमारे पास एसिड है एडिबल एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, वो जो ज़्यादा अमाउंट में है, पड़ा है खाने में NaHCO3, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं टार्ट्रिक एसिड या फिर कोई भी एडिबल एसिड का। ओके, इन फूड्स में आ गया, ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर, इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में, देखिए सबको पता होगा ये क्या होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, देखिए आग कैसे बुझाई जा सकती है अगर वहां पर ऑक्सीजन ना हो, अब आपको पता ही होगा, अगर हम इसको एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है, CO2 देता है, CO2 देता है। अब आप क्या करोगे, अगर फायर एक्सटिंग्विशर में हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, ठीक है, और हमारे पास उसमें एसिड है, तो वहाँ CO2 बाहर निकलेगी, CO2 गैस जाएगी आग में और वो आग को बुझा देगी, ठीक है, वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग को बुझाई देगी वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, बेकिंग सोडा था, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखिए हम इस वीडियो में इतने रखेंगे, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ओके, थैंक यू, और देखिए आपको अगर यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके।